बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजर प्रादी आजकल जो कन्वेंशन कर रही है, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हालात जो हैं ऐसे बन चुके हैं जिसके लिए छोटा बड़ा सारे ताजर परेशान हैं, और उनकी परेशानी का ये आलम इस वक्त है कि वो मजबूर हो गए हैं कि जगह जगह एहतजाज करें, रैलियाँ निकालें, और इसके लिए लेकिन हम फिर भी जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, बड़े नाजुक हालात हैं, और हुकूमत को चाहिए कि बजाय वो नए सिस्टम को लाए कोई और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, ताकि लोग इस नेट में आए, डॉक्यूमेंटेशन में हिस्सा लें, उनका एतमाद बहाल किया जाए, तो इस तरह तो और आप खौफ और हरास फैलाएंगे। मार्केटों में जाएंगे जब तो हम कभी भी नहीं चाहेगा कोई भी ताजर कि इस तरह की बात हो, उनको एतमाद में लिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय उसको बेहतरी की करने के आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। देखें, इख्तियारात होने चाहिए, हम चाहते हैं, ताजर चाहता है हम टैक्स अदा करें, लेकिन उसको ये तो यकीन हो कि मेरे साथ जो कोई ज्यादती नहीं होगी, और उसका एतमाद बहाल हो, ताकि लोग इस नेट में आए और आगे चले। एक अपने वतन के लोग हैं, अपने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले, और इनके इनकम से ही ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है, इनके साथ ताउन होना चाहिए, बजाय इसके कि आप इनके साथ ताउन करें, लेकिन ऐसा टैक्स का निज़ाम आप कर रहे हैं, मुश्किलात लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं, जो हमारी मईशत के लिए, हमारी ट्रेड के लिए बहुत ख़तरनाक होगी, इस मुल्क की बका और सलामती का भी इससे मसला, लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं खौफ और हरास से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जैसे आपने एक नई शिक निकाली 203, तो 203 के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, एक निज़ाम ऐसा दें जिससे छोटा भी ताजर बरादरी खुश हो। जैसे आपने कहा अभी कि सेल्फ असेसमेंट, जो कहे उस पर पूरा उतरे, तो ये अगर निज़ाम आ जाता है सेल्फ असेसमेंट का, इसका मतलब है कि आप ताजर पर इत्मीनान कर रहे हैं, और ताजर अपनी मर्ज़ी के साथ टैक्स अदा करे, इससे लोग जोगदार जोग आएंगे इस सिस्टम में। अगर आप 203 लगाएंगे कि हम पकड़ लेंगे, हम इससे रिश्वत का बाजार गर्म होगा और लोग ब्लैकमेल किया जाएगा लोगों को, ताजर परेशान होगा, उसको अपना बाजू बनाए, आप कंधे से कंधा मिलाकर चले वो आपके साथ। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क की बका और सलामती की अलामत है, मेरे मुल्क का ताजर उसके साथ ऐसे सख्त कवानीन नहीं होने चाहिए, उसमें नरमी पैदा की जाए, और ताकि लोग इस नेट में आए। हमने तो तजवीज़ कई बार दी हुकूमत को कि अगर हम चाहें तो हमें ये बेकारी से हम निकल सकते हैं बाहर, इस मुल्क का हर ताजर टैक्स देगा, इस मुल्क का हर फंड टैक्स देगा, उसका एतमाद तो बहाल करें। मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी मशीनरी है, आज 22 करोड़ की आबादी में अगर 13 लाख 12 लाख लोग असेस कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये, मैं समझता हूँ कि ये हमारे सिस्टम की नाकामी है, पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाकामी है, और इसको अगर एतमाद के साथ देखा जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इसमें 50 लाख आदमी आ सकता है। आप कैटेगरी वाइज लोगों को रजिस्टर करें और उन्हें कहें, और सेल्फ असेसमेंट के तहत लेकर आए, फिक्स टैक्स का निज़ाम लाएं ऐसे लोगों के लिए जो टैक्स अदा नहीं कर रहे, ऐसे विद होल्डिंग टैक्स उसने जड़ें हिला दी इस मुल्क की मईशत की, लोग पैसा लेके बाहर, ये ना सोचे समझे ऐसी स्कीमें जो आप आती हैं, तो ये हमारी ट्रेड के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है। तो मैं कहूँगा कि इसमें हुकूमत को चाहिए कि ताजरों के साथ मुशावरत करके उनके साथ बैठकर इनको तय करें इन मामलात को, बजाय कि वो सड़कों पर आएँ, ताजर भी सड़कों पर आए, और हुकूमत इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है इस वक्त सख्त ख़तरनाक मैं समझता हूँ कि मोड़ से गुज़र रहा है, इस वक्त ज़रूरत है हर पाकिस्तानी को कंधे से कंधा मिलाकर चले, इस मुल्क का ताजर चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जैसे कि अभी कोरोना आया,
कोरोना से छोटी मईशत तबाह हो गई, ट्रेड बर्बाद हो गई, कई लोग बेरोजगार हुए, लेकिन किसी ने कोई सर पैर नहीं हिलाया इसके लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके पर आप रिलीफ देने की बजाय ऐसे कानून नाफिस ना करें जिससे हमारी मईशत, हमारी ट्रेड, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो। जहाँ तक हुकूमत की माशी पॉलिसियों का जिक्र है तो मैं समझूंगा कि हमारी माशी पॉलिसी कुछ भी नहीं है। अगर टीवी देख लें, मीडिया देख लें, तो उनके ज़रिए तो जो माशी तरक्की नज़र आ रही है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। ये गरीब लोगों से पूछे जो इस मुल्क का सरमाया है, कि वो गरीब लोग आज दो वक्त की रोटी के लिए बाजार बैठे हैं, जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, जो दूसरे मुलाज़मीन हैं, महंगाई का एक तूफ़ान है जो काबू से बाहर है हुक्मरानों की भी और लोगों की भी, इस पर कंट्रोल ना हुआ तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल। आपके जो छोटे मोटे रिलीफ आपने दिए था, छोटे ताजरों को दिए, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन उसके बेनिफिट किसको मिलेगा? और महंगाई का एक बड़ा तूफान आ गया, जैसे अभी घी की कीमतें, चीनी की कीमतें, ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात की कीमतें आसमान पर चली गई। उनको तो ऐसे 10 रिलीफ भी मिलेंगे तो वो पूरा नहीं कर सकते। तो ये मैं समझूंगा कि इस पर ज़रूर देखें, और हमारी पॉलिसी जो है इस तरह नहीं बनती, मुशावरत के साथ बनती है, माशी पॉलिसी के साथ सनकारों को, ताजरों को, छोटे ताजरों को, सबको बिठाकर एक मुशावरत के साथ अहकाम जारी किए जाए तो उसका नतीजा भी निकलता है और वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि मेरा ताजर मुहिब वतन है, वो अपने वतन के लिए जान भी दे सकता है, कुर्बानियाँ भी देता आ रहा है और दे रहा है इस वक्त भी, कि वो खामोश है इन हालात में भी वो, लेकिन उसको मजबूर ना किया जाए कि वो सड़कों पर आए।